फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस के इलेक्ट्रॉनिक परवानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेंगे। वीडियो आज का जो वीडियो है वो 12 वोल्ट डीसी रेक्टिफायर और 5 वोल्ट डीसी रेक्टिफायर के ऊपर है। तो आज हम जो है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट डीसी रेक्टिफायर बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक डीवीडी प्लेयर ओल्ड वाला और इसे हम ओपन करेंगे और ओपन करके इसके अंदर जो एक सर्किट होता है वो निकालेंगे जो कि पावर सेक्शन में होता है मेन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जो सर्किट बोर्ड इस वाला, ये मैंने पहले ही खोल कर रखा हुआ था। ये है वो किट, ये एसी, इसका एसी का एसी वोल्टेज 230। अब इससे हम बनाएंगे, इस किट से बनाएंगे हम 12 वोल्ट और 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑन ऑफ स्विच जो कि मैंने निकाल लिया है और जो इसके जो पॉइंट है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट डीसी के, तो कुछ लोगों बताता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस 12 वोल्ट और ये जी एन ए ग्राउंड और ये प्लस 12 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट जो कि डीसी है और ये ग्राउंड। फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ये निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से हम निकालेंगे। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें कुछ वायर चाहिए जो कि ऐसे जो पट्टी टाइप होता है, इसके अंदर चार है, चार टाइप के वायर, चार और कतील थोड़ा सा अपेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेना है फ्रेंड्स कौन सा हमें कहाँ देना है पॉइंट, फिर उसके हिसाब से हम देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से पहले हम इसे लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप से जो फ्रेंड्स ये होगा, इस तरीके से ये जुड़ गए। देखिए, अब हम इसे मल्टीमीटर पर चेक करेंगे कि कौन सा कितना देगा। फ्रेंड्स, मैं चला कर देखा। तो फ्रेंड्स, हम इसे कनेक्ट करते हैं, फेज वाला फेज में और ये न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में। और हम इसे लगाएंगे डायरेक्ट 220 वोल्ट में और लगा कर देखेंगे। मैं भी बताता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑन करता हूँ। हमें पहले ये वाला स्विच ऑन करना है। अरे सॉरी, इस तरीके से ऑन होगा। फ्रेंड्स, ये लेते हैं 12 वोल्ट।